ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम without वेल सो विदाउट वेस्टिंग of time टाइम लेट्स गेट wait इफ यू आर visited first टाइम to दिस चैनल आप पहले पूरा वीडियो देखें और वीडियो के लास्ट में आप डिसाइड करना कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करोगे या नहीं बट टिल द लास्ट प्लीज वॉच द वीडियो इफ यू डिडॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन डिसाइड देन आई थिंक इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस थ्रो विच अ पर्सन एक्वायर गेन एंड साप दिन स्किल अकॉर्डिंग टू रिग्वेदा रिग्वेदा के हिसाब से इट्स अ फोर्स विच मेक्स एन इंडिविजुअल सेल्फलेस एंड सेल्फ रिलायंट ये एक फोर्स की तरह काम करता है किसी भी एक इंडिविजुअल को क्या करता है ये आत्मनिर्भर बनाता है और साथ साथ स्वार्थ रहित भी तो ये डेफिनेशंस पहले ही हुआ करता था हालांकि अब बिल्कुल बदल चुका है वेल इट ऑल्सो मेक्स एन इंडिविजुअल सिविलाइज एक इंसान को ये सभ्य बनाता है उसके बाद रिफाइंड परिकृत और एजुकेटेड शिक्षित भी इफ यू टॉक अबाउट बैक टू द हिस्ट्री वी हैव वन ऑफ द मोस्ट एनशियट यूनिवर्सिटी दैट इज तक्षशिला विच इज़ नाउ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान बट पहले ये अनडिवाइडेड इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था इंडस रिवर के किनारे ये यूनिवर्सिटी एट टू टेंथ बी सी के अराउंड ये बना था और यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक्स लाइक चाणक्य यहाँ पढ़ाया करते थे और संस्कृत को ग्रामर को जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया लिखा uh, आचार्य पानिनी ने वहाँ पे पढ़ाया है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आ, वो जो ग्लोरी थी इंडिया की दैट द विश्व गुरु वो आपको पता चलेगा कौ कमिंग टू नेक्स्ट वी हैव वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी दैट इज नलंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन बिहार इन इंडिया इट्सैल्फ ये आ, यहाँ पे सिर्फ भारत से नहीं बल्कि विदेश से भी अब यहाँ पढ़ने आते थे चाइनीज़ ट्रेवल लाइक फाहिन एंड हुग ये सब यहाँ आकर संस्कृत की शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे तक्षशिला विक्रमशिला एंड नालंदा एलॉन्ग विद ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के उस क्राउनिंग ग्लोरी को जो इंडिया होल्ड करता था इंडिया एज अ वेस्ट गुरु ऑल्सो द सिस्टम ऑफ गुरु एनसेस इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया एज़ वेल बट अनलक्ली और इंटेंशनली इट गोड इट ऑल गॉड इस्लामिक इस्लामिकीडर्स आते हैं पूरे इस एजुकेशन सिस्टम को तहस नहस कर देते हैं जला देते हैं और हमने बहुत सारे अपने एनशियट मनोस्क्रिप्ट और टेक्स्ट भी इसी में खो दिए तो ये तो रही बात हिस्ट्री की लेकिन अब बात करेंगे हम कैसे लॉर्ड मैकाले आते हैं और पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को वो अपने तरफ़ से ख़त्म करते हैं तो टाइम है 1834 का जब लॉर्ड मैकाले को बुलाया जाता है लॉड बिन्नल बेंटिक का शासनकाल चल रहा होता है और वो बुलाते हैं उसके बाद उनको सौंपा जाता है आप भारतीय शिक्षा पद्धति को डिज़ाइन करें एक मैं लाइन आपको बताना चाहूँगा लॉर्ड मैकाले की सोच आपको पता चल जाएगी लॉर्ड मैकाले के हिसाब से वो कहते हैं ए क्लास ऑफ इंडिया शुड बी लाइक क्लास ऑफ इंडिया शुड बी इंजन इन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियन इन इंटेलैक्चुअल एंड इन मोरल्स धज्जियाँ उड़ा कर रख दिया उन्होंने हमारे लिटरेचर का हमारे संस्कृत का हमारा जो पर्सनल लैंग्वेज खुद यहाँ इंडिया से ऑरिजिनेट हुआ है सब कुछ को ख़त्म कर दिया जाता है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया जाता है इंग्लिश से लैंग्वेज कैसे बड़े लोग सीखे उससे फंडिंग की जाती है और फिर कम्प्लीटली वेस्टर्नाइजेशन होता है और इंग्लिश का भी इमरजेंस पता चलता है यहाँ से ये यह सब कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था ये सब बस वो अपने फायदे के लिए करते हैं माना जाता है जैसे उन लोगों का मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश था तो अधिक से अधिक जैसे लोग इंग्लिश लोगों को पता चलेगा तभी तो वो उनको भी काम कर पाएंगे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इसीलिए आज भी देश में बहुत ज़्यादा कलर के की पोस्टिंग है क्योंकि वो लोग काम आसान करते हैं उनकी उस टाइम भी यही हुआ था और इसलिए उन्होंने इंग्लिश पे जोर दिया और लोगों को इंग्लिश सिखाने में ये इंपॉर्टेंस देखी नौ before talking to the era of 21st century with the current education system let's have a look to the some facts and figures we have इंडिया का जो पोजीशन है वो बतीसवां है बाकी जो यूएस यूके जर्मनी और कनाडा है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक होल्ड करते हैं इंडिया का जीडीपी कंट्रीब्यूशन माने तो 3.6 परसेंट महज 3.6 परसेंट इंडिया कंट्रीब्यूट करता है अपने जीडीपी का एक हिस्सा लेकिन बाकी देशों की तुलना में जैसे बात करें तो वो दस दस प्रतिशत अपने जी का सिर्फ शिक्षा में खत्म करते हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कैसे हम अभी भी पीछे हैं शिक्षा दर्द में बाकी देशों की तुलना में एक और डाटा की बात करें तो देश में हर साल पैंसठ लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं जिसमें से पंद्रह लाख सिर्फ इंजीनियर्स हैं जिसमें से जॉब केवल सिर्फ तेईस प्रतिशत लोगों को मिलता है पिक्चर आर नॉट गेटिंग क्लियर दैट इंडियन स्टूडेंट्स हैज़ अनफॉर्चुनेटली अंडरस्टूड दैट जस्ट होल्डिंग द सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ अटेंडेंस एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स इन इन दर कॉलेज ऑफ द सेमेस्टर्स दे थिंग्स दैट ये हब हो गया लेकिन होता क्या है एम्प्लॉयमेंट रेट घट नहीं रही लोग गलती से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं और कॉपी कैट वाला रेस है उसमें से लोग पास पार्टिसपेट कर रहे हैं बस किसी तरह से टाइम जा रहा है लोग वो नहीं कर पा रहे हैं जो एक्चुअल में उनको करना चाहिए था मिस गाइड भी हो रहे हैं गाइडेंस की भी बहुत कमी देखी जाती है और एट द लास्ट ऑफ द टाइम वो बस कोस रहे होते हैं कि हमें ये कर लेते तो अच्छा होता या फिर वो करते तो ज़्यादा स्कोप था यहाँ का सिस्टम भी उसी तरह से ही डिज़ाइंड है वो इफेक्ट दिखता है जो पहले हुआ करता था उस और फैक्ट्स की बात कर ले तो भारत में 77 प्रतिशत ऐसे कैदी हैं जो अशिक्षित हैं इससे पता चलता है कि कैसे एक इंडिया का बड़ा पार्ट रेट ऑफ क्राइम रेप थ्रेट मारपीट ये सब में उलझा हुआ है तो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है देश का जो इसी सब चीज़ों को सिस्टम को मैनेज करने में लगा हुआ है तो आपको पता चला होगा कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है अगर हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हम अपने लिए नहीं बल्कि उसको कंट्रीब्यूशन भी जाता है समाज को ही क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो आसपास पास की सोसाइटी और अपने कंट्री को भी कह सकते हैं ना टू विल वि अचीव द हाइस्ट स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग वी आर ऑल्सोना कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी टू बिल्डिंग अ स्मार्ट और अ हाइएस्ट और एज वेलो डॉक्टर विकास दिब्य आपको पता चलेगा कि कैसे एजुकेशन सिस्टम्स को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है हालांकि बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स आए हैं जो अभी काम कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत मेजर चेंजेस की जरूरत है और ये बात भारत सरकार ने एक्सेप्ट भी की है नई पॉलिसी भी लेके आए हैं तो मतलब मुझे लगता है कि कई लेवल्स पर देखना है सबसे पहले तो ये डिफाइन करना जरूरी है कि एजुकेशन का पर्पज है क्या क्या परपज केवल नौकरी लेना है एक जॉब मिल जाए वही पर्पस है मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ मेरी राय में एजुकेशन का बेसिक पर्पस है कि एक होमोसेपियन से एक इंसान बन जाए सोचना आ जाए उसको समझना आ जाए कोई राजनेता या धर्मगुरु उसको गधा ना बना सके बेवकूफ़ ना बना सके उसे इतनी समझ हो कि वो चीज़ों को फैक्चुअली ऑब्जेक्टिवली समझ सके तर्क कर सके बहस कर सके और अगर तर्क और बहस में सामने के तर्क ठीक हैं, तो उनको एक्सेप्ट भी कर सके इतना विनम्र भी, भी रहे पिक्चर आर क्लियर नाउ सो so, कैसे uh... चीज़ें को सुधारने की जरूरत है और कैसे हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है सरकार अपनी काम कर रही है बहुत सारे रिफॉर्म्स एन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आया है लेकिन हमें अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करना होगा स्मार्टली डिसीजंस लेने होंगे अपने फ्यूचर्स को साफ करने के लिए आई होप यू ऑल वीडियो फाइन दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव विद हम सब एंड ऑल्सो गो टू द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो दैट हाउ इट इज हाउ इट हेल्प टू नॉट एंड ऑल्स सब्सक्राइब दअअर चैनल एंड शेयर दिस विथ योर फैमिली फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग